मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारे मेयर साहब जब आए थे उन्होंने कहा था कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसको करप्शन टोटली खत्म हो जाएगी, लेकिन यहां पर एक लड़का था कंप्यूटर पेटर और उसको उस पर इल्जाम लगा था कि 300 रुपया लेकर उसने डेट ऑफ बर्थ बनाई है और उसको डिसंगेज किया गया, लेकिन उसके बाद में मैं मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं कि फील्ड में सफाई कर्मचारी जो है वो कम है तो ये कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन हाई स्किल्ड कंप्यूटर ऑपरेटर और ड्राइवर लगाने के लिए इनके पास फंड आ जाते हैं। अभी इन्होंने पिछले दिनों कोई 39 लोगों का ऑर्डर किया जिसमें स्किल्ड हाई स्किल्ड, लेकिन वो जो ऑर्डर था चीफ अकाउंट मैम ने उसका विरोध किया और कहा कि हमारे पास फंड नहीं है तो उनकी ट्रांसफर की गई। लेकिन यहां पर जो सीडीओ निसार है वो हर रोज पेपर में आ रहा है कि इन्होंने लाख लाख रुपया लेकर डेढ़ डेढ़ लाख रुपया लेकर तो जो स्किल्ड हाई स्किल्ड पर लोग लगाए जाते हैं। तो यूनियन सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम बदनाम हो। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं मेयर साहब से और कमिश्नर साहब से कि जल्द से जल्द जो सीटीओ निसार है उस पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए और जल्द से जल्द उसको यहां से ट्रांसफर किया जाए ताकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम जो है वो बदनाम ना हो। मैं मीडिया के माध्यम से यह बताना चाहता हूं, जो हमारे एक्स चेयरमैन थे राजकुमार तरखान जी, उन्होंने भी इस आदमी के लिए गवर्नमेंट में एक लेटर लिखी थी। एक एनजीओ है जूनिक, उसने भी एक गवर्नमेंट को लेटर लिखी थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस आदमी को ना तो ट्रांसफर किया जा रहा है तो ना इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी बात को बुलंद करते हैं। धन्यवाद।